फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के नजदीक स्वर्गीय श्री राम बेटी आश्रम ग्राम सुमेरपुर में कमिश्नर साहब का स्वागत हुआ एवं समाज के गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा हुई। चर्चा में प्रथम शिक्षा का स्तर बढ़ाना, जिसमें कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद जिले से अभी तक लोधी समाज का कोई भी IRS, IAS, IPS अधिकारी नहीं है, अतः अपने बच्चों को आगे आने वाले भविष्य में IRS, IAS, IPS फिरोजाबाद से निकल कर आए। साथ ही महिला शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि शिक्षा के मामले में अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड बहुत आगे हैं एवं लोधी संगठन भी उत्तर प्रदेश में कमजोर है। यही कारण है कि यहाँ के लोधी समाज के बच्चे शिक्षा के स्तर में अभी पीछे हैं। हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा, तभी अपने समाज की कुरीतियों को दूर कर शिक्षा का महत्व समझाया जा सकता है। धन्यवाद अनिल कुमार जी, आज मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी के सामने मेरे को मिल रहा है और आपके आपको मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ जो समाज के लिए। उसमें मैं अभी रामदास मेरा नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आलोक का। आलोक मीन आलोक बोले तो उसका मतलब है अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ। हमने अपने समाज को जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सबको इकट्ठा करके एक संघ बनाया है, जिसका कार्य है अपने समाज को सुदृढ़ करना, चाहे वो एजुकेशन से, नौकरी लगने से, या इस तरह की हम वो कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नवोदय जागृति अभियान चला रहे हैं, टैलेंट सर्च अभियान चला रहे हैं, कई एक हॉस्टल उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये आलोक के मुख्य मुख्य पॉइंट हैं। और इस तरह से मैं आज यहाँ बैठा था तो लोगों को अपने आलोक के बारे में जानकारी देना चाह रहा था, उसी संदर्भ में ये मीटिंग कॉल की हमने। और मुझे ऐसा खुशी हो रहा है कि मेरा समाज जब इकट्ठा होकर इस तरह की मीटिंग भी यदि इकट्ठे होकर, और जहाँ तक प्रश्न है आप लोगों ने सम्मान किया है, वो एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। ऐसा समाज में पहले नहीं होता था। ये हमारे समाज की आगे बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।